गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन एक अहम कदम उठाने वाला है। जिला प्रशासन जल्दी गुरुग्राम से डीजल की 15 साल और पेट्रोल की 10 साल पुरानी सभी गाड़ियों को बंद करेगा। इसके लिए 2 नवंबर को होने वाली बैठक में योजना भी तैयार की जाएगी। सावधान, अब अपनी आयु पूरी कर चुके वाहनों की खैर नहीं, सड़कों पर नजर नहीं आएंगी पुरानी गाड़ियां। जिला प्रशासन का चलेगा डंडा, 2 नवंबर के बाद होगी कार्यवाही शुरू। प्रदूषण को मात देने के लिए उठाया कदम, एनजीटी पहले भी कई दफा कर चुकी है एडवाइजरी जारी। जी हाँ, अब दिल्ली की तरह गुरुग्राम में भी अपनी आयु पूरी कर चुकी गाड़ियां सड़कों पर नजर नहीं आएंगी। इसके लिए जिला प्रशासन 2 नवंबर को योजना तैयार करने जा रहा है, जिसमें डीजल की 10 साल पुरानी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़कों पर दिखाई नहीं देंगी। एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई दफा यह आदेश कर चुका है कि ऐसे वाहनों से प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, जिसे तुरंत प्रभाव से कम किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। दिल्ली में तो पहले ही इस एडवाइजरी पर काम हो रहा है, वहीं अब गुरुग्राम में भी 2 नवंबर से प्रशासन ऐसे वाहनों को बैन करने के लिए योजना बना रहा है। को भी बैन करने के आदेश हैं 1 नवंबर से 10 नवंबर तक, उसको भी कड़ाई से पालना की जाएगी आदेशों की। साथ साथ जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है उसके बारे में भी 2 नवंबर को निर्णय लेके जो व्हीकल्स फेज आउट होने हैं, अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उनको भी फेज आउट करने का इम्प्लीमेंटेशन प्लान इम्प्लीमेंट